दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने लैपटॉप से गूगल ड्राइव पर कोई भी फोटो कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले अपने लैपटॉप में गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। गूगल क्रोम ओपन करेंगे आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको साइड में ये यहाँ पे कुछ डॉट्स टाइप से दिखेंगे गूगल एप्स करके, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे एप्स टाइप के गूगल के दिख जाएंगे। आपको यहाँ पर गूगल ड्राइव ढूंढ लेना है। आप ये देख सकते हैं, ये रहा ड्राइव, आप इस पे क्लिक करिए। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने नया इंटरफेस आएगा और आपका गूगल ड्राइव जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर फोटोज अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको साइड में एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फाइल अपलोड का एक ऑप्शन दिखेगा, आप इस पे क्लिक करिए। जैसे ही फाइल अपलोड पे क्लिक करेंगे आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पर जहां पर भी आपकी फोटो पड़ी हो आप ढूंढ लीजिए कहाँ पर पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमको ये एक फोटो अपलोड करनी है तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है, जो भी फोटो आपको अपलोड करनी होगी, और उसके बाद यहाँ पे ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करेंगे तो अपलोडिंग वन आइटम आपको इस टाइप से दिखा देगा और ये जो है आपके वन अपलोड कंप्लीट भी दिखा दिया, ठीक है, आपके मतलब गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाएगी। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं स्क्रीनशॉट था, एक अपलोड हो गया। अगर यहाँ पर आपको एक से ज्यादा फोटोज जो है एक साथ अपलोड करनी है तो आपको क्या करना है, आप यहीं पर फाइल अपलोड में चले जाइए और जो भी फोटोज आपको अपलोड करनी हो आपको अपने लैपटॉप में कीबोर्ड में CTRL ये कंट्रोल बटन दिख जाएगी, आप इसको दबा लीजिए और उसके बाद जो भी फोटोज एक साथ अपलोड करनी हो उनको क्लिक कर लीजिए इस टाइप से, ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप ओपन पे क्लिक करिए। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे आपको दिखाएगा अपलोडिंग, जितनी भी फोटोज आपने सेलेक्ट की होंगी उतना यहाँ पे दिखा देगा और ये सारी आपकी अपलोड हो जाएंगी। अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।